सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके हाथ में सर्टिफिकेट फर्स्ट यूर सोलमेट अवार्ड ऑर्गेनाइज इन इंडिया। बात करें तो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के सोलमेट अवार्ड का आपने किताब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, बहुत ही वेरी वेरी सक्सेसफुल अवार्ड रहा। दूसरा अवार्ड आपने किया बिजनेस ग्लोबल अचीवर अवार्ड। तीसरा अवार्ड आपने लाइफ स्टाइल आइकॉनिक, जो कि लाइफ स्टाइल हमारे लेडीज जेंट्स जो आइकॉन होते हैं, जो जिनकी स्टाइल को हम फॉलो करते हैं गांव से लेकर के मुंबई तक, पूरे देश में जो स्टाइल अपनाते हैं हम दूसरे की, हर स्टाइल हो चाहे कपड़े हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, ये सब एक साथ 3 स्टार दिया गया है आपको, 3 स्टार अवार्ड। क्या कहना चाहेंगे कल्याण जी सर? सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। पाठक साहब थैंक यू सो मच, आप सभी भाइयों को लेके आए आज बहुत दिनों के बाद, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। हारा हारा महादेव, जय शिव शंभु, जय महाकाल, और साथ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सोनी हाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मेरे माता पिता गुरु। दोस्तों हमारे बीच में दिशा फिल्म के हमारे सर है, मैं आपको बोल दूँ जो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं पवन सोलंकी जी को मैं नमन करता हूँ सर झुका के। ये बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया से मुझे दादा साहेब फाल्के, हम फिल्म लाइन के जनक जन्मदाता, फिल्म लाइन के पिता श्री दादा साहेब फाल्के जी के नाम का पहला एनजीओ DPIAF हम सब मिलकर चलाते हैं। दादा साहेब फाल्के जी के धर्म पत्नी हम सबकी माँ सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के, पहला लेडी, द फर्स्ट लेडी बॉलीवुड के अंदर, फर्स्ट एडिटर, जितने भी एडिटिंग करते हैं पूरी इंडिया में उनको ये नहीं पता उनका गुरु कौन है, उनका गुरु का नाम है सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के, फर्स्ट टेक्नीशियन, फर्स्ट प्रोड्यूसर। लेकिन उस नारी को लोगों ने भूल गया है, बिना एडिटिंग का कुछ होता है क्या? नहीं होता है। उस एडिटिंग का गुरु अगर कोई है तो सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के, जिसने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर पहला फिल्म हिंदुस्तान को दिया जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। अगर वो मंगलसूत्र अगर आपने निकाल के नहीं देता दादा साहेब फाल्के जी को, तो पहला फिल्म इंडस्ट्री को नहीं आता। अगर पहला फिल्म नहीं आता तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आज सबसे ज्यादा टैक्स जाता है भारत सरकार को, वो नहीं जाता। इसके साथ साथ में जो आज इतने बड़े बड़े स्टार जो पैदा हुआ है, कभी वो खड़ा नहीं होता। भाई और बहनों, दोस्तों, आज जितने भी स्टार है हमारे बॉलीवुड के, मैं सबको नमन करता हूं। स्टार, एक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन, डांसर, डांस मास्टर, डायरेक्टर, उन सबके बड़े बड़े बंगलो है, घर है। मैं सभी को अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर, जो आपके सबके घर में, आपकी स्टूडियो में, पिक्चर हॉल में, और जब पिक्चर शुरू होता है जनगण मनोदी के बाद, दो इंसान का फोटो होना चाहिए, एक पुरुष एक नारी। एक पुरुष का नाम है श्री दादा साहेब फाल्के और नारी का नाम है सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के। कल्याण जी, ये दादा साहब फाल्के जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जनक हैं जी, जिन्होंने पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र जी, इसका आपने जिक्र किया जी। दूसरा आपका जो सक्सेसफुल अवार्ड सो रहा लाइफ स्टाइल आइकॉनिक जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा 3 अवार्ड शो हुआ, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरा नहीं है, आपका शो है, मैं तो गरीब इंसान हूँ साहब, आप सभी का आशीर्वाद, DPI की पूरी टीम, मेरी वाइफ अंकिता जाना, मेरी पूरी टीम, मेरी स्पॉन्सर्स, मेरी सपोर्टर, और मैं सबको बोल दूँ आपको, जो जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा जो मेरे साथ में जो मेरे भाई जुड़े हैं, द ग्लोबल सनशाइन ट्रेंडिंग्स सर्विस कंपनी, ग्लोबल सनशाइन सूरज माटे साहब, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी दुबई, 5G इंटरनेशनल, 5G स्टूडियोज दुबई, DPIF रोटी कपड़ा बैंक, DPIF एंटरटेनमेंट, साइंस मीडिया, और साथ में मेरे केवर भाई रेड चेरी, और उसके बाद हमारे सीमा
मैडम जिनकी एनजीओ बहुत ही बेहतरीन एनजीओ है, और इसके बाद काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, काफ़ी सारे स्पॉन्सर, सपोर्टर, एवोडी, उन सभी का नमन करता हूँ, क्योंकि सबका नाम लेगा तो बहुत रात हो जाएगा। बीएन तिवारी जी, FWFC के, सीमा मैडम, और तमाम लोगों की वजह से आज साहब हमारे एक्स MP सुनील गायकवाड़ साहब, राम कुमार पाल साहब, हमारे बीएन तिवारी जी मेरे गुरु जी, और दीपक भैया, और सभी का नमन करते हुए ये जो मुझे मिला है अवार्ड शो की दुनिया का पहला अवार्ड शो जिसको बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, सोलमेट अवार्ड। दोस्तों मैं बहुत खुश हूं जो मैं सोलमेट अवार्ड का एक दादा साहेब फाल्के जी के धर्म पत्नी के ऊपर मैं लेके आया, सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के सोलमेट अवार्ड। दोस्तों जब आदमी बड़ा होता है तो आपने जब अवार्ड मिलता है तो खुद कपड़े पहन के चला जाता है, अपने माँ बाप को घर पर रख देता है, या माँ बाप को उनको लेके आता है तो माँ बाप सामने बैठ रहता है ताली बजाता है, या वाइफ को या हस्बैंड को लेके आता है तो सामने बैठ रहता ताली बजाता है। लेकिन दोस्तों ये पहला अवार्ड है जो माँ बाप के बिना आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, हस्बैंड वाइफ के बिना आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पहला सोलमेट अवार्ड है, माता पिता गुरु और हस्बैंड वाइफ, ये सोलमेट अवार्ड वर्ल्ड का पहला अवार्ड बना जिनको मिला है इतनी खूबसूरत वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं पवन सोलंकी जी को नमन करता हूँ, और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया को मैं नमन करता हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत सर्टिफिकेट से नवाजा है और खुद आए थे। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड बहुत संपन्न हुआ, अच्छा गए, बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड बहुत अच्छे से मेरा संपन्न हुआ, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं सपोर्टर, मेरी सीमा दीदी मेगाश्री NGO को मैं धन्यवाद करता हूँ, अमी परिवार दुबई, मैं धन्यवाद करता हूँ रुपेश जी को, रुपेश जी रेड चेरी केरी भाई को, हमारे रेड चेरी को ओनर केवर भाई को, ग्लोबल सनशाइन NFL ग्रुप ऑफ कंपनी दुबई, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी, सांस मीडिया, 5G इंटरनेशनल, और इसके अलावा मैं आपको बोल दूं जितने भी मेरे मीडिया पार्टनर जुड़े हैं उन सभी का मैं नमन करता हूं, TBB 360, 920 न्यूज दुबई, ब्राइट आउटडोर मीडिया पार्टनर, FWICE, दिशा TV, बुक माई यार टिप, सेंट मैरी हाई स्कूल, और समीका मेरे भाई बहुत अच्छे, कोको हाई लेट, अनिल शाह फाउंडेशन, उसके बाद हमारे BEZ कंपनी, प्रिया फैशन दुबई, सिद्धिविनायक ट्रॉफी, KJ वाटर, KJ स्टूडियो, दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर, KJ टॉकीज, और इन सभी का मैं नमन करता हूँ, इन सभी को मैं इसलिए नमन करता हूँ कि इन सभी के वजह से मेरा शो हुआ है, और इन सभी के वजह से मेरा शो सक्सेस हुआ है। बस इतना खाली बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, हर हर महादेव।